नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी जीवा धोनी का मस्ती भरा अंदाज पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर के बीच आईपीएल 2019 का 29वां लीग मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन के चलते 5 विकेट के अंतर से जीत लिया। मुकाबला खत्म होने के बाद जो हुआ वो देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी। दोस्तों, मुकाबला खत्म होने के बाद जब चेन्नई टीम के सभी खिलाड़ी मैदान पर आकर दर्शकों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे, तभी जीवा मैदान पर आ गई और अपने पिता महेंद्र सिंह धोनी की क्लास लगाने लगी। जी हाँ, आप देख सकते हो कि किस तरह जीवा मैदान पर धोनी के पास आई हैं और वो उनको फटकार लगाते हुए नजर आ रही हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम को मझधार में छोड़कर आउट हो वापस पेविलियन चले गए थे और इसीलिए उनकी खबर लेने जीवा मैदान पर पहुंच गई। सिर्फ धोनी ही नहीं, जीवा रैना और टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ भी मस्ती करती हुई नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक टीचर हों और सभी खिलाड़ी उनके स्टूडेंट जिनकी वो क्लास ले रही हों। आप इन तस्वीरों में देख सकते हो कि किस तरह सभी दिग्गज लाइन में खड़े हैं और जीवा की बातें सुन रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जीवा और महेंद्र सिंह धोनी का ये मस्ती भरा अंदाज आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। और क्रिकेट जगत की हर ताजा खबर के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक 7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।